क्या माहौल है वहां पर, किस तरीके से चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जुटे हुए हैं और क्या क्या दावे कर रहे हैं, क्या क्या वादे किए जा रहे हैं। अभितोष, इस वक्त खैरागढ़ शहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो चल रहा है, तो मैं रोड शो की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रोड शो जो कि खैरागढ़ शहर में इस वक्त चल रहा है। उन्होंने छुई खदान जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है वहाँ से अपने रोड शो की शुरुआत की थी। छुई खदान में रोड शो किया, वहाँ के शहर में घूमे, अब खैरागढ़ का शहर जहाँ पे वो रोड शो कर रहे हैं, काफ़ी लंबा उनका ये रोड शो है और व्यापक माहौल, तस्वीर आप देखिए जगह जगह जो है जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं वहाँ वहाँ कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता उनके रोड शो में शामिल हुए हैं। और भूपेश बघेल इस वक्त जो है रोड शो, उनके साथ मंत्री ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है यशोदा वर्मा, वो भी साथ में है। और मैं सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ भूपेश बघेल के रोड शो की। मुख्यमंत्री जी का लंबा रोड शो है। भूपेश बघेल जी एक लाइव क्वेश्चन में आना चाह रहा हूँ, एक मिनट में लेना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं सीधी तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हूँ इस वक्त मैं। भूपेश बघेल जी, का लंबा रोड शो हो गया छुई खदान से खैरागढ़ और क्या कि हमारे मोहल्ले में है, हमारे बाजार में है, खैरागढ़ वालों को प्रेम है, तो इतना लंबा चल रहा है और हजारों लोग सभी, चाहे व्यापारी हो, चाहे ग्राहक हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला पुरुष, सब ऐसा लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं, सब तरफ जो है भीड़ जी। जबरदस्त उत्साह है खैरागढ़ में यहाँ मतदान, और मतदान के पहले जो स्थिति है तो रिजल्ट का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसी अंदाज में रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट भी इसी अंदाज में आएगा। एक सवाल ताम्रध्वज साहू जी आपसे भी, चूंकि कल रामनवमी भी है और बड़ा आयोजन भी हो रहा है, और ये जो जन समर्थन दिख रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये विशुद्ध रूप से बात है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो योजना बनाई, जो काम किया, जो बात की, जनता का अपार स्नेह अर्जित किया, उसका परिणाम है और भगवान राम का भी आशीर्वाद है और इसके भारी बहुमत से हम ये चुनाव जीतेंगे। और देखिए, मंत्री अमरजीत भगत भी साथ हैं, नवरात्रि का उपवास भी है और व्रत रखे हुए, उसके बावजूद भी आए हैं, तबीयत खराब भी होगी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का जीत हो रहा है, भूपेश बघेल जी का काम बोल रहा है और छत्तीसगढ़िया जो माहौल दिख रहा है, यहाँ के किसानों का माहौल है, यहाँ के आदिवासियों का माहौल है, यहाँ के नौजवानों का माहौल है, तो समझ लीजिए कि 12 तारीख को कांग्रेस बहुमत के साथ आएगा और जो 16 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 17 तारीख को जिला बनेगा। यशोदा दीदी का कहना चाहूँ, ये जिन रोड शो भूपेश बघेल जी करे थे उखर बहुत खुशी लगा थे और बहुत अच्छा लगा थे, जनता पूरा साथ है, पूरा मंत्रिमंडल साथ है, मैं अपन आप लोग बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सब पूरा मंत्री के साथ साथ पूरा जनता मतदाता भाई मन मनमोर साथ। तो लगा थे जिन्हें आप विधानसभा पहुँचने वाला हो? हाँ, बिल्कुल पहुँचेंगे। उमर जंगेल जी के हार होने वाले? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भूपेश बघेल के बारे में क्या कहूँ? मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो है एक महिला ला सम्मान के साथ खैरागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में सेवा करे के मौका ला दे है, खले में बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के साथ ही यशोदा वर्मा सहित तमाम लोग जो है वो इस वक्त बातचीत कर रहे थे और मैं तस्वीर भी जो है सीधी दिखा रहा था। और देखिए, काफी भीड़ है, काफी गहमा गहमी है, धक्का मुक्की की स्थिति बनी हुई है, चूंकि कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, तो मैं इस तरफ सीधी तस्वीर इस तरफ की भी दिखाता हूँ। देखिए भीड़ देखिए, और ये देखिए आरती लेकर पहुंचे हैं, थाली की आरती लेकर पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, पहचान है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये इस रोड शो की। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए।